नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 12वीं के रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2 बजे का समय बताया जा रहा है। क्या आप 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, या फिर आपका बच्चा या कोई जान पहचान में कोई 12वीं में पढ़ता है, तो कुछ देर ठहर कर हमारा ये स्पेशल शो आप जरूर देखिए, क्योंकि रिजल्ट पहली बार एकदम अलग तरीके से बिना परीक्षा से आने वाला है। स्वाभाविक है, कंफ्यूजन होगा ही, इसलिए इस शो से आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी थी। इसके बाद पीएम मोदी ने भी कहा था कि बच्चों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि परीक्षा से अनमोल छात्र हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई से पहले रिजल्ट घोषित करने के लिए कहा था, और इसके बाद आज सीबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित करने वाला है, जो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर होगा। इस रिजल्ट से संतुष्ट ना होने पर विकल्प ये होगा कि छात्र दोबारा फिर परीक्षा दे सकेंगे, तो आपके पास विकल्प भी होगा। अगर आपको लगता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं है, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर भी आपको मार्क्स ठीक से नहीं मिले हैं, तो आप एक बार फिर से परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन इस बार का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी अलग है, 30-30-40, तो 30:30:40 इस आधार पर तय किया गया है। 10वीं और 11वीं के जो रिजल्ट हैं, 5 सब्जेक्ट्स में से जिनमें 3 में अच्छे नंबर होंगे उनको भी काउंट किया जाएगा, तो वहाँ जो वेटेज होगी वो 30% की होगी। 12वीं का रिजल्ट क्यों खास है? 16 लाख से ज़्यादा छात्रों का रिजल्ट आना है। 13,000 स्कूलों के छात्रों के नतीजे सामने आएंगे। पहली बार बिना परीक्षा के नतीजे सबके सामने आने वाले हैं। कितने छात्र संतुष्ट होते हैं, कितने नाराजगी व्यक्त करते हैं, अब से कुछ देर बाद पता लगेगा। पहली बार डिजी लॉकर ऐप पर रिजल्ट मिलेगा। 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच प्राइवेट छात्रों की परीक्षा होगी। 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच नतीजे से असंतुष्ट छात्रों की परीक्षा करवाई जाएगी, तो ये तारीख भी तय कर दी है। जो आज के नंबरों से संतुष्ट नहीं होंगे वो कौन कौन सी तारीख है 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच अपने जो नतीजों में असंतुष्टि है उस पर एग्जाम दे सकते हैं। तो आइए आपको आसान शब्दों में बताते हैं कि कैसे 10वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षाएं आयोजित होंगी और उन्हें नंबर दिए जाएंगे। दरअसल इन परीक्षाओं को 2 टर्म्स में बांटा गया है। पहले टर्म की परीक्षा इसी वर्ष नवंबर दिसंबर के महीने में होगी, और इसमें सिर्फ 50% सिलेबस में ही सवाल पूछे जाएंगे। छात्रों को 1.5 घंटे में मल्टीपल चॉइस आंसर देने होंगे। इसके बाद अगले वर्ष मार्च अप्रैल में सेकेंड टर्म की परीक्षा होगी। ये 2 घंटे की होगी और इसमें सामान्य इम्तिहान की तरह शॉर्ट लॉन्ग हर तरह के सवाल जवाब होंगे। फाइनल मार्कशीट में दोनों टर्म के नंबर के अलावा इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल वर्क के रिजल्ट भी शामिल किए जाएंगे। तो चलिए अब सीधा हम इस पर चर्चा करते हैं और आपको बता देते हैं हमारे साथ कौन कौन होगा इस चर्चा में। हमारे संवाददाता जयपाल शर्मा बैंगलुरु से जुड़ गए हैं, अंशुल मुकाती संवाददाता इंदौर से जुड़ गए हैं, हमारे साथ प्रिंसिपल है नेहरू वर्ल्ड स्कूल की अरुण भाई सिंह, आपका बहुत स्वागत है। दीपिका शर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल है ग्रैंड कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल की। ज्योति गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रिंसिपल डीपीएस गाजियाबाद। तो आज सीबीएसई के 12वीं क्लास के नतीजे आएंगे, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं, एक एक जल्दी से छोटी छोटी जानकारी ले लेते हैं। और जयपाल आपके पास आते हुए, अब से थोड़ी देर में रिजल्ट सामने होगा, किस तरह का माहौल बेंगलुरु में बना हुआ है? जी देखिए प्रियंका, चीज़ें जो हैं बहुत बदली सी हुई हैं, क्योंकि जब आज सुबह मैं आया हूँ, मनदीप है हमारे साथ, मनदीप जो है इस बार अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने मनदीप से पूछा, मनदीप कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि एग्जाम मैंने नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मेरे दिल की धड़कन जरूर बढ़ी हुई है, क्योंकि एग्जाम का जो रिजल्ट आ रहा है वो उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस से आ रहा है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मनदीप से ही पूछता हूँ, मनदीप क्या महसूस कर रहे हैं अभी आप, क्योंकि अब सिर्फ चंद मिनटों का वक्त है रिजल्ट आने में? थोड़ा नर्वसनेस तो हो ही रही है सर, क्योंकि बिना एग्जाम पहली बार हो रहा है कि बिना एग्जाम लिख के रिजल्ट आ रहे हैं, तो थोड़ा नर्वसनेस तो हो रही है। एप्रीहेंशन भी है, क्या आपको लगता है कि आपकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस थी वो अच्छी रही? हाँ सर, पिछली वाली तो ऑब्वियसली अच्छी थी सर, क्योंकि अच्छा स्कोर किया था मैंने 10th और 11th में, लेकिन अगर अब की बार ऑनलाइन अगर एग्जाम लिखना होता कोई भी मोड में, ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन,
तो मैं लगता है कि कर सकता था अच्छा और भी अच्छा। देखिए तो ये बोल रहे हैं कर भी सकते थे कुछ अच्छा, और इस बीच इनकी माता जी भी हैं, इनसे मैं पूछता हूँ आपको क्या लगता है कि वो ठीक रहा गलत रहा डिसीजन सरकार का? सर आई थिंक जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया वो मेरे हिसाब से ठीक था, क्योंकि ये एक बच्चों की लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये बच्चे एग्जाम देने जाते कुछ बीमारी आती तो बाई चांस हम भी बीमार हो सकते थे। बिल्कुल देखे दोनों ही तरह की चीजें हैं। ठीक है जयपाल आपके रिएक्शन हम जल्दी से ले लेते हैं, हमारे गेस्ट के पास भी हमें जाना है। अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता इंदौर से बने हुए हैं हमारे साथ। अंशुल देखिए अभी भी अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अभी भी नर्वस हैं, एग्जाम नहीं दिया अब उन्हें लग रहा है कैसा रिजल्ट होगा, अच्छा होगा या बहुत ज्यादा अच्छा होगा या जितना उम्मीद किया उससे बेकार होगा, लेकिन इंदौर में क्या हाल बना हुआ है? जी बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दूं कि इंदौर में भी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं और उनसे ही सीधे जान लेते हैं रिजल्ट आने वाला है आज किस तरह का लग रहा है, क्योंकि पहली बार इस तरह से रिजल्ट आप लोग फेस करेंगे। तो अभी मुश्किल साल था तो अभी देखते हैं कि कैसे परिणाम आएंगे, पर वैसे तो मतलब जो मेंटल स्ट्रेस था वो थोड़ा रिलीव हो गया क्योंकि एग्जाम नहीं हुए तो ठीक है, पर अब देखते हैं क्या है। प्रीवियस रिजल्ट के आधार पर ये रिजल्ट आएगा तो उसका भी कुछ डर लग रहा है कि किस तरह का रिजल्ट हो सकता है, कुछ उलझने हैं दिमाग में? हाँ अभी फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसे, तो हो सकता है कि मतलब थोड़े अप्स एंड डाउन्स होंगे कि मतलब कि कैसे रिजल्ट निकालेंगे, तो अभी देखते हैं आज पता चलेगा कि कैसे। रिजल्ट को लेकर सुबह से ही कुछ उत्साह है क्योंकि रिजल्ट कहीं ना कहीं एक अहम कड़ी मानी जाती है परीक्षा की, और ट्वेल्थ का रिजल्ट आके भविष्य तय करेगा, उसे लेकर भी थोड़ा टेंशन है। हाँ बिल्कुल, वो हमारा मतलब बिल्कुल आगे जाने की मतलब पीढ़ी है, तो फिर इससे हम हमारे मतलब जो मनपसंद कॉलेजेस है उसमें जाने के लिए हमको इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं आपको हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ रिजल्ट को लेकर उतना ही उत्साहित रहे हैं। मैम आज से रिजल्ट आ रहा है, क्या लग रहा है कुछ आगे का भविष्य क्या तय होगा, इसे लेकर कुछ टेंशन है? हाँ थोड़ी टेंशन तो है इसके लिए, बट हाँ सरकार ने जो भी बनाए हैं स्ट्रेटजी बनाई है जो भी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आगे भविष्य रहेगा, और आने वाले बच्चों के लिए भी यही है उसके लिए, तो देखते हैं कॉलेजेस वगैरह में कैसे सब सेट होता है, पर हाँ टेंशन तो है उसके लिए। 10th 12th के बच्चे बहुत सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि 12th के बाद तो उनका पूरा फ्यूचर डिसाइड होता है कि उनको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और हर चीज़ बहुत लेट हो चुकी है ऑलरेडी, उन लोगों को एंट्रेंस देने हैं, किसी को कुछ करना है, तो डिफ़िकल्ट तो है बच्चों के लिए भी, और बच्चों ने मेहनत जिन्होंने बहुत मेहनत करी उनके लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि जो उन्होंने अपना एक टारगेट बनाया है कि 11th 12th का हम कैसे उनको कितना परसेंट देते हैं उस हिसाब से बहुत डिफिकल्ट हो रहा है बच्चों के लिए। जी बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दूं पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं डिफिकल्ट बच्चों के लिए होता जा रहा है, हालांकि अब कुछ ही समय बाद रिजल्ट आने वाला है और उससे यह साफ हो जाएगा कि बच्चों का किस तरह का रिजल्ट आता है, और उनसे एक उनके जो टेंशन है रिजल्ट का वो भी थोड़ी देर में ही दूर होने वाला है। जी प्रियंका, अंशुल मुकाती आपके पास फिर से लौटेंगे और जानकारी हम जुटाएंगे, लेकिन अब सीधा हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं। अरुणव सिंह जी, आप प्रिंसिपल हैं नेहरू बॉल स्कूल की, लेकिन अभी जो हमने प्रतिक्रिया सुनी स्टूडेंट से या उनके पेरेंट्स से, स्ट्रेस का लेवल अभी भी हाई है क्योंकि उनका कहना है कि 12th ही एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो आगे की चीज़ें तय करता है, तो अभी भी एक डर है, परेशानी है, एक रिलैक्स तो इस बात के लिए है कि चलो अच्छा है कि इस कोरोना काल में एग्जाम देने के लिए नहीं गए, लेकिन किस आधार पर आएगा, कितना कैसा रिजल्ट आएगा, इसको लेकर बच्चों के लिए क्या मैसेज आपके लिए? मेरा मैसेज इसके लिए काफ़ी सिंपल है, एजुकेशन बोर्ड्स ने भी और गवर्नमेंट ने भी जिस तरह के नियम बनाए हैं तो ये इंश्योर करा है कि बच्चों का नुकसान इसमें नहीं हो। बहुत सारे बच्चे इस तरह के थे इस साल देश में जो पूरे साल स्कूल नहीं जा पाए थे, तो वो बच्चे अगर एग्जाम देते वर्सेस अब जो रिजल्ट उनको मिलने वाला है तो ये मार्कशीट सर्टनली उस रिजल्ट से बेटर होती जो वो बिना पढ़ाई करे दिए होते। तो बच्चों को थोड़ा सा और इंतज़ार करना है, मगर ये बात पक्की है कि एजुकेशन बोर्ड्स ने पूरा ध्यान रखा है कि बच्चों का नुकसान ना हो, और कुछ एजुकेशन बोर्ड्स ने तो इतना ध्यान रखा है कि बच्चों के 100% की मार्कशीट भी कुछ स्टेट बोर्ड्स में देखने को मिल रही हैं, तो वहाँ पर आई थिंक हमें अपने आप से पूछना होगा कि शैक्षिक निष्ठा का क्या है, सवाल आ जाता है जब लाइन से बच्चों के 100% नंबर बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो CBSE ने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा है कि ये काम ना हो, मगर कुछ स्टेट बोर्ड्स हैं जो ये काम करने में असफल रहे हैं।
जी दीपिका शर्मा जी, इस बार का जो क्राइटेरिया है रिजल्ट का वो काफी अलग है, 30:30:40 के आधार पर आएगा, लेकिन ये बिना पढ़े अब जो रिजल्ट सामने आएगा ये बच्चों के करियर के लिए कैसा कदम है? हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी, अ वेरी एक्साइटिंग डे टुडे। देखिए, जैसे बाकी हमने दो साल से देखा है कि हर चीज में चेंज आया है, तो न्यू नॉर्मल में एजुकेशन भी एक कोविड रीसेट है। बहुत वेलकम डिसीजन था क्योंकि उस वक्त इससे बेटर डिसीजन नहीं हो सकता था। बाकी ये जो 30-40 है उसमें 1% स्टूडेंट्स डिससैटिस्फाइड हैं, वो बहुत ही छोटी परसेंटेज है। जिन बच्चों ने काफी तैयारी करी थी और उनको लगा कि वो अपेयर करेंगे तो उससे बेटर आ सकते हैं, हमें क्योंकि हिस्टोरिकली रेफरेंस यह मिला था उसी में रिजल्ट बनाना था, तो काफी कुछ कहीं बच्चों के लिए नहीं हुआ, बट ऑन एन एवरेज मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रिजल्ट रहेगा। बिल्कुल दीपिका शर्मा जी, बाकी हम मेहमानों के पास भी चलेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपके पास आएंगे जल्दी से। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, बारामूला जिले में आतंकियों ने सीआरपीएफ पार्टी पर ग्रेनेड से हमला किया है। इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और 1 स्थानीय नागरिक घायल हुआ है। आतंकियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। खानपुरा पुल के पास आतंकियों ने सीआरपीएफ पर ग्रेनेड फेंके हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में यह आतंकी हमला, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और ये जो ग्रेनेड फेंके गए हैं, सीआरपीएफ के 2 जवान इसमें घायल हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। अब इस सर्च ऑपरेशन में आतंकियों को ढेर करने का प्रयास होगा, लेकिन ये बड़ी खबर और दुखद कि सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। ऋषभ, तो चलिए हम लगातार बात कर रहे हैं, 12वीं के रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है, इस पे तमाम स्कूलों के प्रिंसिपल से हम बात कर रहे हैं, हमारे संवाददाता भी लगातार अब बने हुए हैं। तो अब आपके हिमांशु मित्तल, आपके पास आते हुए, क्या स्थिति कोटा में बनी हुई है? आपके साथ अगर छात्र हैं, उनके अभिभावक हैं, उनसे बात करें, पूछें कैसा वो महसूस कर रहे हैं, आप तो बिना पढ़े रिजल्ट आने वाला है आपसे कुछ देर में। प्रियंका, देखिए कोटा वैसे भी एजुकेशन हब है, पूरे देश भर के अलग अलग शहरों से स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, और फिलहाल जो प्रतिक्रिया मिलेगी वो अलग अलग शहरों के स्टूडेंट से ही मिलेगी, और फिलहाल इनकी भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि रिजल्ट कोई भी हो जब आता है तो निश्चित तौर पर आने से पहले धड़कन जरूर बढ़ाता है, हार्ट बीट बढ़ी हुई है, और रिजल्ट को लेकर के क्या उम्मीद है? मतलब उतना कोई ज़्यादा तो टेंशन नहीं है इस बार, पर 10th में जैसा था वैसा कोई टेंशन वेंशन नहीं चल रहा है, लेकिन ठीक है, एक्सपेक्टेशंस तो रखी हुई है कि 90 से। अपना नाम बताएं और कहां से हैं आप, और आप रिजल्ट को लेकर क्या हो? क्या, मेरा नाम प्रखर सिंघानिया, मैं छत्तीसगढ़ से हूं, तो मुझे रिजल्ट को लेकर उतना डर नहीं है, मेरा 10th वजह से इस बार तो प्रिडिक्टेबल है कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, तो उतना नहीं है, पर थोड़ा एक्साइटमेंट है, 12th है तो डेफिनेटली आगे का फ्यूचर। आपका नाम और बताएं कहां से हैं और क्या उम्मीद है रिजल्ट को? मेरा नाम साकेत अग्रवाल है, मैं उदयपुर से हूँ। रिजल्ट के लिए एक्साइटमेंट ज़रूर है, बट ज़्यादा डर नहीं लग रहा है, बस एक्साइटमेंट है कि कैसा जाएगा, क्योंकि देखिए इस बार पेपर नहीं दिया, एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो डेफिनेटली चीज़ें कुछ और होंगी। कहाँ से हैं आप, क्या नाम है और क्या? मेरा नाम सौरभ राज है और मैं बिहार से हूँ। 10th में भी अच्छा गया था और वैसा ही परफॉर्मेंस है, तो एक्साइटमेंट है रिजल्ट का और मेरे ख्याल से तो अच्छा ही आएगा। देखिए एग्ज़ाम नहीं हुआ और जो ये प्रतिक्रियाएं हैं, जो ये रिएक्शंस हैं, वो ये बता रहे हैं कि टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं है, रिजल्ट आने वाला है, हालांकि टेंशन ज़रूर होता है रिजल्ट को लेकर के, लेकिन बहुत ज़्यादा कोटा से जो प्रतिक्रिया निकल रही है वो ये कि बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, बस इंतज़ार है कि रिजल्ट आएगा और अच्छा आएगा। ज्योति गुप्ता जी, आपसे 2 सवाल। पहली बार ऐसा होगा जब डिजी लॉकर ऐप के जरिए रिजल्ट आएगा छात्रों के सामने, और दूसरा ये कि जो छात्र अपने रिजल्ट से अगर सेटिस्फाइड नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए, तो उनके पास क्या विकल्प बचता है?
डिजी लॉकर्स एक बहुत बड़ा कदम है सीबीएसई ने जो उठाया है बच्चों के लिए. बहुत ऐसा होता था, बहुत किस्से आते थे सामने जहाँ पे बच्चों की जो मार्कशीट्स थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी या बाद में उनको जब चाहिए होती थी उनको नहीं मिलती थी या टेस्ट करवानी होती थी. तो डिजी लॉकर के माध्यम से जब ये उनके पास मार्कशीट्स और अपने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स पहुँचेंगे उसके बाद उनको स्कूल में एक तो लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, दूसरा फिजिकल कॉपी कॉलेजेस में नहीं देनी होगी, हर जगह वो वहीं से उसको एक्सेस करके और डिजिटल कॉपी अपनी वहाँ पे जमा करा सकते हैं. तो एक बहुत ही कन्वीनियंस हो जाएगी और हमेशा के लिए बच्चों के पास ये रहेगी और क्लाउड में रहेगी. तो एक बहुत बड़ा कदम है. इसकी एक फ्लिप साइड ये है कि ये स्कूल्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि ये बच्चों और बोर्ड के बीच की बात हो जाएगी. एक दफ़ा बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया तो उसके बाद स्कूल का कोई लिंक नहीं रह जाएगा बच्चों के साथ, वो डायरेक्टली बोर्ड जो है उनको जो भी चीज़ें चाहिए सर्टिफिकेशन वगैरह वो डायरेक्टली दे देगा. एक तो ये, और दूसरा आपने मुझसे जो सवाल पूछा कि विकल्प क्या बचता है जो छात्र, हाँ सॉरी क्या पूछा था आपने, जो छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं उनके पास विकल्प क्या बचता है? उनके पास विकल्प है कि वो दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं. सीबीएसई 15 अगस्त के बाद इन बच्चों के लिए एग्जाम करेगा और एक महीने के अंदर अंदर 15 सितंबर तक जो है ये रिजल्ट इन बच्चों को मिल जाएंगे. जो कॉलेजेस का यूजीसी ने सत्र बोला है वो अक्टूबर में शुरू होगा. तो इन बच्चों के पास विकल्प रहेगा कि ये वापस जाके और अपना इम्तिहान दे पाए. पर मुझे लगता नहीं है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आएंगे ये कहते हुए कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो बच्चों को शायद इससे फायदा ही हुआ है. इस जो फॉर्मूला से जो सीबीएसई ने निकाला है कि 30% मार्क्स जो है वेटेज जो है वो 10th को दिया गया, 30% 11th को दिया गया, 40% 12th को दिया गया. तो अगर बच्चे ने पिछले 3 सालों में कुछ कंसिस्टेंसी दिखाई है तो वो डिससेटिस्फाइड रिजल्ट से होंगे नहीं, ये ज़रूर हो सकता है. क्योंकि आखिर में जैसे कि सबको पता है थोड़ी सी हाई परसेंटेजेस को सीबीएसई ने रिस्ट्रिक्ट किया है, तो ये हो सकता है कि बच्चा 96% एक्सपेक्ट कर रहा था और उसमें बच्चे के 95% आए. तो 1% के लिए, 5 नंबर के लिए 500 में से कोई बच्चा अगर जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे बच्चे होंगे. ठीक है ज्योति गुप्ता जी, आप सभी के पास हम फिर से लौटेंगे. एक ब्रेक का वक्त हो चला है और ब्रेक के उस पार भी लगातार चर्चा जारी रहेगी क्योंकि इस बार बिना परीक्षा के नतीजे 12वीं के सामने आ रहे हैं. प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ.